हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि मसीह जीवन जो दो चीजों पर आधारित है, एक है यीशु पर विश्वास और दूसरा है अंधकार की सेनाओं से आत्मिक युद्ध। तो जो हमारा जो मेन की फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है विश्वास। अब हम लोग देखेंगे कि विश्वास अदर देन क्रिश्चियनिटी, अदर देन मसीह विश्वास के अलावा ऐसी चीज है, विश्वास एक ऐसी चीज है कि सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक आम आदमी जब ऑटो करने स्टेशन जाना चाहता है तो ऑटो करता है, ऑटो वाला ये नहीं पूछता कि तुम्हारे पास रुपए हैं कि नहीं है। वही उसको विश्वास होता है कि भाई ये जो ऑटो कर रहा है तो इसके पास पैसे होंगे होंगे। आप दूध वाला डेली दूध लाता है और महीने के आखिरी दिन उसको आप पैसे देते हैं, लेकिन वो हर दिन दूध इसलिए लाता है, उसको विश्वास है कि आप उसके पैसे देंगे। आप एटीएम मशीन में पैसे एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसे आते हैं, तो आप एटीएम मशीन में इसलिए आते हैं कि आपको पता है कि भाई पैसे निकलेंगे। अगर आप कुर्सी बैठते हैं तो आपका विश्वास है कुर्सी आपका वेट जो है आपका भार सह लेगी, तो इस हिसाब से आप विश्वास से कुर्सी पे बैठते हैं। यानी कि आपका एक जो प्रिंसिपल है, जो जीवन का एक आधारित एक जो तत्व है, वो है फेथ, विश्वास। ये तो मैंने एक जनरल बात बताई। अब मसीह समाज में, मसीह जीवन में विश्वास कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों नहीं काम करता है, कैसे बढ़ाना है, मैं उन सब छोटे छोटे टॉपिक पर चर्चा करूंगा। वीडियो बने रहिए और मुझे भी विश्वास है कि आप इस परमेश्वर के वचन को, इस वीडियो संदेश को आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे और बांटेंगे, और जैसा आपको परमेश्वर का वचन आशीष दे रहा है वैसे ही आप, मुझे विश्वास है, फेथ है आप पर कि आप दूसरे से भी बांटेंगे ताकि उनको भी फायदा हो, मल्टीप्लिकेशन हो। मैं मसीह में आने से पहले मैं जेंटाइल था, अन्य धर्म में था, तो मेरा हेड बिलीव था, हेड बिलीव मतलब मेरे दिमाग का एक विश्वास था कि मुझे पता था कि यीशु मसीह एक क्रिश्चियन गॉड है, मसीह परमेश्वर है, और उसके नाम से ईसा शताब्दी पूर्व, ईसा शताब्दी के बाद, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, इस तरीके से मुझे पता था कि यीशु मसीह का जो है डेट हिस्टोरिकल बिलीव था कि हाँ भाई यीशु मसीह आए थे, और बाइबल उनका एक धार्मिक ग्रंथ है, और जहां क्रिश्चियन लोग जाते हैं, मसीह लोग जाते हैं, उसको एक चर्च बोलते हैं। हालेलुया। तो ये दिस वाज माय हेड बिलीव, मेरे दिमागी विश्वास था। अब जब दूसरा जो हम बोलते हैं कि जो हम जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उसको बोलते हैं मसीह विश्वास, क्रिश्चियन फेथ क्या है। जब हम ये बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, जिस दिन जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, और वही हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुड़ाने वाला है, तो इसको बोलते हैं सेविंग फेथ, छुड़ाने वाला फेथ, बचाने वाला फेथ, जो आपके जीवन में, मसीह जीवन में, जो आपके आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी होता है। अब हम देखेंगे सोर्स ऑफ फेथ क्या है, विश्वास के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। पहला है परमेश्वर की ओर से दिया गया विश्वास। अगर हम विजयों की, एफिशियों की दूसरी पत्री उसके आठवीं लाइन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हम मसीह पर विश्वास के द्वारा बचाए गए, हम अपने भलाई के, अपने धार्मिक कारणों से हम नहीं बचाए गए, हम मसीह पर विश्वास के द्वारा बचाए गए, यानी कि पिता के द्वारा बचाए गए मसीह पर विश्वास करके, और वो पवित्र आत्मा जो है हमको मसीह की ओर मोड़ता है। लेकिन हम तीनों का, फादर सन होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कि तीनों स्रोत हैं जो विश्वास को देते हैं। तो पहला स्रोत हम लोग देखेंगे पिता, गॉड द फादर। अगर रोमियो की पत्री 12 अध्याय की तीसरी लाइन पढ़ेंगे, इफ यू रीड द रोमन्स 12 चैप्टर 3 वर्ड, इट सेज गॉड हैज गिवन एवरीवन अ मेजर ऑफ फेथ। मेजर को अगर हम ग्रीक वर्ड में, मेजर का मतलब होता है ग्रीक में मेट्रोन, मेट्रो मतलब लिमिटेड पोर्शन, यानी कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा परिमाण के अनुसार हम लोग सबको बीज की जैसा हमको सबको विश्वास दिया गया, यानी कि जिस, यानी कि पिता ने, हमने क्या किया, यीशु विश्वास किया और पिता ने हमको एक बीज की तरह, बीज वाला विश्वास हमारे अंदर डाल दिया। जिस दिन से हम यीशु मसीह का नाम सुनते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं, यहां से विश्वास हमारा जब यहां आ जाता है, यानी दिमाग जो नॉलेज थी कि हाँ भाई ये क्रिश्चियन गॉड है, क्रिश्चियन गॉड से होते होते वो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत उद्धार करता होकर के जब यहाँ आ जाता है, दिल में आ जाता है, दिमाग से दिल में आ जाता है, तो हमारा क्या होता है कि हमें परमेश्वर जो है बीज के रूप में एक विश्वास हमारे अंदर डाल देता है। पहला, यानी कि पिता ने हमको एक बीज दिया, विश्वास दिया। दूसरा, फ्रॉम द सन, गॉड द सन, यानी कि यीशु के द्वारा दिया गया विश्वास। हिब्रूज 12 चैप्टर 2 वर्स में लिखा है, अगर हम इब्रानी की 12 अध्याय दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लुकिंग अनटू द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ,
हम अपने अपने जो विश्वास के लेखक और हमारे विश्वास को पूरा करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। यानी कि और लूका के 17 अध्याय के 5 वर्ष में लिखा है कि चेले बोलते हैं कि हे यीशु मसीह हमारा विश्वास बढ़ाओ। यानी कि दूसरा स्रोत का है पुत्र जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, यानी कि स्रोत है। और जब हम जैसे जैसे विश्वास को एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। तीसरा स्रोत है गॉड द स्पिरिट या पवित्र आत्मा। गैलेशियस 5 चैप्टर 22 वर्स सेज गलातियों की 5वीं अध्याय की 22वीं में लिखा है बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव जॉय एंड फेथ। यानी कि पवित्र आत्मा के फल क्या है? नम्रता, भलाई और विश्वास है। यानी कि तीसरा जो है हमारा मुख्य स्रोत है पवित्र आत्मा है। तो ये हो गया, यानी कि पिता ने हमको एक बीज की तरह विश्वास दिया, पुत्र ने से हमने बोला हमारा विश्वास बढ़ा तब हमारा विश्वास आया, तीसरा पवित्र आत्मा ने हमको विश्वास दिया। ये तो हो गया परमेश्वर फादर सन होली स्पिरिट। अब हमारा क्या, व्हाट इज अवर ह्यूमन साइड, मानव का क्या काम आता है? रोमन्स 10 चैप्टर 17 वर्स सेज द फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यानी कि हमारा विश्वास ह्यूमन तरह से, अगर आप मेरा वचन सुन रहे हैं तो ये जो मसीह का वचन जो मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन जो बोल रहा हूँ, इनफॉलेबल वर्ड ऑफ गॉड जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से और सुनने से आता है। यानी कि ह्यूमन की तरफ से क्या है, उनको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा देता है, लेकिन रिसीवर रिसिपिएंट्स कौन है? रिसीवर कौन है? हम हैं जो विश्वास साथ उस वचन को हम लोग स्वीकार करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं तो उनके रिजल्ट क्या क्या होते हैं? बहुत ही बढ़िया होते हैं हमारे जीवन में। पहला रिजल्ट क्या होता है? We are saved by faith. हम विश्वास के द्वारा बचा जाते हैं। Genesis 15 के 6 में लिखा है, उत्पत्ति 15 अध्याय 6 में लिखा है कि अब्राहम ने पिता विश्वास किया और ये उसकी धार्मिकता गिना गया। और वही नया नियम में रोमियों के 4 अध्याय, रोमियो के 4 अध्याय 3 में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसकी धार्मिकता गिना गया। हम विश्वास के द्वारा धर्मी बन जाते हैं। दूसरा, हम पुत्र पुत्रिया बन जाते हैं। अगर हम यूहन्ना के पहले अध्याय की 12वीं लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे ही यीशु पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की लाइन में आ जाते हैं, उसके पुत्र पुत्रिया बन जाते हैं। तीसरा, वी आर जस्टिफाइड। रोमन्स के 5वें अध्याय की 1वीं लाइन लिखा, जस्टिफाइड का मतलब होता है जस्ट वी वुड हैव नेवर सिन, यानी कि जैसा कि हमने कभी पाप किया ही ना हो, इतने धुल जाते हैं। चाहे कितने भी आपके खून, अगर आप मेरे भाई बहनों अगर आप देख रहे हैं वचन वीडियो संदेश, तो मैं आपको बताना मांगता हूं कि कितने भी आपके लाल लंगे हों, खून से रंगे हाथ हों, पाप में डूबे हुए हों, अगर आप ये ऐसा सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूं कि जिस दिन हम यीशु पर ईमान लाते हैं उस दिन से आपका कायाकल्प हो जाता है, आपका जीवन 180 डिग्री चेंज हो जाता है और आप बिल्कुल श्वेत ऊन की जैसे श्वेत निर्मलहीन की तरह उजले हो जाते हैं, जैसे आपने कभी पाप किया ना। और पहले पत्रस पहले अध्याय 5 में लिखा है कि वी आर केप्ट बाय फेथ, यानी कि हम विश्वास के द्वारा स्थिर रहते हैं, हम डगमगाते नहीं है। आपने देखा होगा जब एक ऐसे नट जो है, जो एक पतली सी नट पे छोटी सी बच्ची चलती है और एक बीम को पकड़ के ऐसे ऐसे करके, है ना, वो देखो ऐसे ऐसे करके चलती, तो वो क्या है, उसका जो मसीह जीवन में संतुलन है, उस संतुलन को कौन बना के रखता है? उस संतुलन को विश्वास है कि जब आप गिरते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तो विश्वास, मसीह का विश्वास जो है वो आपको सीधा चलते रहता है, इस सकरे रास्तों में आपको गिरने नहीं देता। यानी कि विश्वास के द्वारा हम स्थिर रहते हैं मसीह में। फेथ ब्रिंग्स रेस्ट। इब्रानी 4 अध्याय की 3 में लिखा है हम विश्वास के द्वारा रेस्ट में प्रवेश करते हैं, यानी कि हम अनंत काल में प्रवेश करते हैं। यानी कि जब हम मसीह में विश्वास करते तो हमें पता कि अनंत काल तक हम मसीह के साथ रहेंगे, हम उसके रेस्ट में रहेंगे, हम उसके विश्राम में रहेंगे, और इस धरती में भी रहेंगे, चाहे कितने भी डोल आए, चाहे आकाश हिलने लगे, चाहे समुंदर उछलने लगे, चाहे पहाड़ियां समुंदर में गिर जाए, लेकिन हमें इससे कोई डर नहीं, हम एक पीस में रहते हैं, एक रेस्ट में रहते हैं। आपको एक बात पता है कि आप परमेश्वर को कितना भी टाइट ऑफरिंग दे दें, कितना भी आप फास्टिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज है जो परमेश्वर को खुश कर सकती है, प्रसन्न कर सकती है, वह है इब्रानी की 11वें अध्याय की 6 लाइन में, हिब्रूस 11 चैप्टर 6 वर्स सेज दैट वी कैनॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हम बिना विश्वास के अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये अनोना है कि आप यीशु को प्रसन्न कर सकें। हालेलुया। इब्रानी के 4 अध्याय की 2 लाइन पढ़ें तो वहां लिखा है कि क्योंकि हमें उन्हीं की तरह विश्वास का सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा।
जब इसराइली लोग मिस्र से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जुआ के साथ क्या किया, खुशी थी लेकिन उन्होंने क्या किया, अविश्वास उनके दिल में रहा। अविश्वास क्या, उनके अंदर क्रिटिकल स्पिरिट थी, हमेशा कुड़कुड़ाने वाली स्पिरिट थी, हमेशा वो हर चीज़ की बुराई करते थे, हमेशा बड़बड़ाते थे। याद रखिए मेरे मसीह भाई बहनों, बुड़बड़ाना क्रिटिकल स्पिरिट सबसे खतरनाक स्पिरिट है जो उसमें। और आप देखते हैं कि जितने भी लोग निकले थे मिस्र से कनान देश के लिए, जिनको मूसा अगुवाई कर रहा था, उसके बाद फाइनली यहोशू के साथ वो लोग सब लोग प्रवेश कर पाए, सिर्फ दो ही लोग कालेब और जोशुआ, यहोशू और कालेब से प्रवेश कर पाए प्रॉमिस लैंड। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उनके अंदर मन में बात नहीं बैठी थी कि यहोवा ने अगर हमको मूसा के अगुवान में ले जा रहा है कनान तो हम वाकई में जा पाएंगे। जरा सी मुश्किल आती थी कुकड़ाने लगते थे, जरा सी प्रॉब्लम आती थी कुकड़ाने लगते थे, और अपने पुराने मसीह, अपने पुराने इजिप्ट के जीवन, मिस्र के जीवन को याद कर करके, जो प्रेजेंट में यहोवा उनको भलाई की जगह ले जा रहा था, उसको कुकड़ाने लगते थे, दोष लगाने लगते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनमें से कोई भी एक भी आदमी उस प्रतिज्ञा के प्रदेश में कनान में प्रवेश नहीं कर पाया, और उनके पीछे मूसा भी प्रवेश नहीं कर पाया, सिर्फ यहोशू और कालेब ही प्रवेश कर पाए। और नई जनरेशन जो 40 साल में विल्डरनेस में, जो निर्जन के स्थान में, जो मिस्र से कनान देश के बीच के जो जनजन जो पॉपुलेशन आई, वही सिर्फ जो नए लोग थे जो उस पहली जनरेशन के बाद जो उनसे पैदा हुए थे, वही सिर्फ प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने पाए। और एक एग्जांपल नए नियम से बताना चाहूंगा कि अगर हम मरकुस 6 अध्याय की 5वीं लाइन पढ़ेंगे, जीसस कुड नॉट डू माइटी वर्क्स। मरकुस के 6 अध्याय की 5वीं लाइन कहा कि यीशु मसीह जब प्रचार करने गए, बाइबल हमेशा नया में देखेंगे, यीशु मसीह पहले प्रचार करते थे फिर उसके बाद वो हीलिंग मिरेकल साइंस एंड वंडर्स करते थे। यानी कि जो वर्ड ऑफ गॉड है, दैट हैज अ पावर, That is a power to materialize thing out of nothing. परमेश्वर के पीछे वो सामर्थ्य है जो चीजें नहीं होती हैं उनको पैदा करता है। यानी कि preaching is the antidote of unbelief. जो preaching है, जो परमेश्वर का वचन है, जो आप सुनते हैं, वो आपके unbelief को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और वहां पर यीशु मसीह सोचते थे बड़े बड़े काम करते थे, मौजे करते थे, लेकिन वहां पर इसलिए नहीं कर पाए, और वो आश्चर्यचकित भी हुए। परमेश्वर दो ही चीज में आश्चर्यचकित होता है, परमेश्वर के तीन चीजें याद रखें, पहला कि वो आपके विश्वास से खुश होता है, दूसरा आपके अविश्वास से वो आश्चर्यचकित होता है। 9 वंडर हैं, अगर आप उसको बोलेंगे कि चाइना वॉल कितनी बड़ी है, ताजमहल कितना सुंदर है, यीशु मसीह को इससे बड़ा कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि वो तो हर चीज का बनाने वाला है, उसको तुम क्या आश्चर्य मार्वलस करोगे या वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, वो सिर्फ आपके अविश्वास से आश्चर्यचकित हो जाता है। और वो आश्चर्यचकित भी होता है आपके विश्वास को देख के। अगर सेंचुरियन के फेथ को देखेंगे तो उस जेंटाइल के फेथ को देख करके भी यीशु मसीह ओवरवेलम हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो आज के मैं सुबह आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आश्चर्यचकित दो तरीके से होगा आपके, या तो आपके अविश्वास से या आपके विश्वास से। अगर आपको अविश्वास से आप बैठे हैं और वचन सुन रहे हैं तो याद रखिए इब्रानी 4 अध्याय की 2 लाइन की, आपने जो आपके जीवन में कोई काम नहीं हुआ, आपका जो जीवन कल था वही कल भी रहेगा। जब तक आप विश्वास को नहीं थामेंगे और उसको यूज नहीं करेंगे तो आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आएगा, नए लेवल में नहीं जाएंगे। और यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए आश्चर्यचकित करेगा। ये देखो इस सिचुएशन में भी वो विश्वास में थामे रहे, इस सिचुएशन में, इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी, इस परेशानी की घड़ी में भी इसको परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, यानी कि इसके जीवन में काम होगा। और बाइबल बताती है मरकुस 6 अध्याय में आगे कि यीशु मसीह ने वहां पर प्रचार नहीं किया और आगे बढ़ गया। यीशु मसीह तो परमेश्वर है, राजाओं का राजा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप विश्वास करें ना करें, लेकिन फर्क आपको पड़ेगा। आप विश्वास करेंगे तो आपको आशीष आएगी, और अविश्वास नहीं करेंगे, अगर आप अविश्वास करेंगे, इफ यू पुट अनबिलीफ, यू कैप्ट अनबिलीविंग, देयर इज अ नो रिजल्ट इन योर लाइफ, लाइफ विल रिमेन एज इट इज। तो मैं आगे सीरीज में बताऊंगा कि परमेश्वर बोलता है कि राई दाने के विश्वास को उतना ही लेके मत रखो। अगर आप मसीह का जीवन चलते चलते 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, और आपका विश्वास के लेवल उतना ही राय के दाने के बारे में विश्वास है, यानी कि अगर हम रोमियो 12:3 में जो मैंने बताया था कि एक मेट्रॉन एक मेजर ऑफ सीड है, यानी कि राय के दाने का विश्वास अंदर डाला है, अगर आप वही रखे हुए हैं तो आप भूल में हैं। परमेश्वर बताना चाह रहा है, यीशु बताना चाह रहा है कि उस विश्वास को आपको बढ़ाना है इस सीरीज में, वो मैं अगली बार बताऊंगा। परमेश्वर यीशु के नाम से आपको मैं ब्लेस करता हूँ, आइए प्रेयर करते हैं। प्रारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, जो परमेश्वर इस वचन में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यीशु के नाम से उनके अंदर माउंटिंग मूविंग फेथ जनरेट हो, पहाड़ों को हटाने वाला फेथ जनरेट हो, विश्वास जनरेट हो, खुद के जीवन को बदले विश्वास के द्वारा, साथ ही साथ दूसरे के जीवन को भी ये बदले यीशु के नाम में।